ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोट के। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल लेकिन एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने जा रही हूं। आप उपाय बोलिए, इसे टोटका बोलिए, जो भी बोलिए, ये जो टोटका है दोस्तों, एक ऐसा टोटका है कि आप एक बार इसे जरूर आजमाएं। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं लगना है, बहुत सिंपल सा है। इसमें आप किसी भी दिन का और किसी भी वार का इंतजार आपको नहीं करना, किसी भी पक्ष का इंतजार नहीं करना, मतलब कि आप किसी भी दिन में, किसी भी वार में कर सकते हैं, किसी भी समय में कर सकते हैं। दोस्तों, इस टोटके को करने में बस एक चीज का ध्यान देना है, जैसा कि मैं हर बार बताती हूं आपको कि टोटका है तो कोई टोके ना, आपको छिपाकर करना है, बिना किसी को बताए करना है। आप अपनी किसी भी इच्छा के लिए कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी की इच्छा हो, आपकी शादी की इच्छा हो, घर में कलह कलेश है उसे दूर करने की इच्छा हो, धन प्राप्ति की इच्छा हो, जो भी इच्छा हो, मतलब आपके मन की जो भी इच्छा हो, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस टोटके इस उपाय को अपना सकते हैं किसी भी दिन किसी भी समय में। दोस्तों, कौन कर सकता है ये भी मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति इस टोटके को कर सकता है, इस उपाय को कर सकता है। करना आप क्या है इस उपाय में, एक छोटे से इस महा उपाय में आपको करना क्या है ये मैं बता दूं। इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, कोई ऐसी भी चीज नहीं चाहिए जो आपके घर में उपलब्ध इस वक्त नहीं होगी। आप ये वीडियो देखें और इसके तुरंत बाद ही अपनी किसी भी इच्छा के लिए आप इस टोटके को जरूर अपनाएं, मैं आपको ये बोल रही हूं। देखिए, इस उपाय में, इस टोटके में आपको चाहिए एक रूमाल। हम सभी के घर में रूमाल होता है, बस आपको ध्यान ये देना है कि जो ये रूमाल है ये सफेद रंग का हो, ये आपको ध्यान देना है। रूमाल एक लेना है, कोरा रूमाल होना चाहिए। आप अगर पहले से यूज करते आ रहे हैं तब भी आप ले सकते हैं, आप चाहें तो नया खरीद करके इस उपाय के लिए, इस टोटके के लिए भी ला सकते हैं। अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसे, रुपए चाहिए आपको। आप जैसे मेरे पास अभी 10 रुपए का नहीं मिला नोट तो मैंने ये 100 का रख लिया, लेकिन आप 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, जैसी आपकी इच्छा, जो आपके पास उपलब्धता है आप वो रख लें। जैसे शगुन का हम रखते हैं ना 11, 21, 51, उसी तरीके से शगुन के जैसा आपको ये पैसे रखने हैं। अब इसको आपको करना क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से आपको फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए 100 का ये नोट है, इसको मैंने फोल्ड थोड़ा और बढ़िया से कर दिया। ध्यान ये जरूर रखिएगा कि आपने ये नोट लिया है, आपको एक सिक्का, 1 रुपए का एक सिक्का चाहिए। ये 2 रुपए का ना रखें, शगुन में भी जैसे हम ढूंढ के देते हैं ना 1 रुपए का सिक्का, 2 नहीं देते, जोड़े से नहीं दिया जाता, तो यहां भी जोड़ा आपको नहीं करना है, 2 का नहीं 1 का सिक्का। तो इस तरीके से ये सिक्का रख लिया, ये रूमाल है। अब करना क्या है ये मैं आपको बताती हूं। अब देखिए, मैं यहां जहां बैठी थी, मैंने इसी सोफे पर ये करके आपको दिखा रही हूं, तो ये हैंकी है, ये पुरानी है, यूज्ड है ये हैंकी, ये रूमाल, तो इसको लिया यहां पर, ये है 101 रुपए। अब इसको खोलिए आप, यहां पर किसी भी कॉर्नर पे, या आप चाहे तो सेंटर में ही, मैं कोना ही ले रही हूं, इस कोने पर इस रूमाल में इस सिक्के को, इस रुपए सहित आपको बांधना है। अब क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, इस पैसे को इसमें बांधते हुए आपको अपनी इच्छा बोलनी है मन में। आपके जो भी आराध्य हैं, जिन्हें भी आप मानती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी इच्छा बोलिए। जैसे कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी जल्दी हो जाए, जैसे कि मैं अपने परीक्षा में, जो भी परीक्षा में दे रहा हूँ उसमें सफलता चाहता हूँ, जैसे कि मेरी नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, मेरी नौकरी में तरक्की हो जाए, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरा विवाह हो जाए, मेरे पति पत्नी में संबंधों में खटास से वो मधुर हो जाए, धन की कमी है, धन मेरे जीवन में खूब ज्यादा आए मां लक्ष्मी, इस तरीके से कहते हुए आपने इस पैसे में गांठ लगा दी। देखिए, अब ये जो रुमाल है, आपने इस तरीके से गांठ लगा दी। अब इस रुमाल को इस पैसे सहित आप चाहें तो इस तरीके से इसे फोल्ड करके आप एक बॉल की तरह से बना लें, लपेट दें, इस तरीके से इसको लपेट के मैंने उस सिक्के को उस रुपए सहित बना लिया। ये आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा को अपने घर में कहीं पर ऐसी जगह डाल दें जहां पर इसे आप खुद ही आसानी से ना देख सके, ना ढूंढ सके, कोई दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब कोई भी इसे नहीं ढूंढ सके। इस पूरे काम को करते हुए आपको किसी को नहीं देखना है,
किसी को नहीं टोकना चाहिए जो भी व्यक्ति कर रहे हो इस कार्य को। तो दोस्तों इसको आपको ऐसे जगह छोड़ देना है कि आप दोबारा उसे ढूंढ ना सके, चाहे वो आपके घर का कोई अलमारी हो आपके घर की, आपका बेड बॉक्स है, बेड बॉक्स में आपकी कोई भी ऐसी जगह है जहां पर आप आए दिन वहां पर नहीं जाते ढूंढने के लिए चीजों, आप वहां पर इसे डाल के छोड़ दें और भूल जाएं। अब दोस्तों आपकी ये इच्छा यकीन मानिए जरूर पूरी होगी और बहुत जल्द पूरी होगी। जैसे ही आपकी ये इच्छा पूरी हो जाती है आपको अब इसे ढूंढ लेना है। आपने जहां भी रखा है, देखिए आपको याद में तो रखना है, उसे निकालना है। आपने इसमें जो ये पैसे बांधे हैं ये पैसे को आप इसमें से खोल के निकालेंगे और इस पैसे को आपको अब किसी मंदिर में जाकर दान दे देना है। किसी भी मंदिर के दान पात्र में आपको ये पैसे डाल देने हैं और ये जो रुमाल फिर आपका रहता है आप उसे फिर से उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे आप इसे पहले यूज करते आए थे। इस पैसे को आपको डाल देना है मंदिर में। तो बहुत छोटा सा और लेकिन बहुत ही अच्छा टोटका है ये, जिसे अगर आप अपनाते हैं एक बार ये अपना के देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।